हेलो दोस्तों, रेड न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और मुझे नहीं लगा था कि ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी जल्दी में मैं ये बना रहा हूँ। और ऑल इन द ब्लू मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता ही देते, क्योंकि मेरे चैनल पर जब भी आप लोगों को पता है कि कुछ होता है तो मैं हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन देता हूँ और ये मेरा फर्ज है, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो मैं आप लोगों के ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तक जो भी पहुँचाऊँ ये आप लोगों के प्यारों सपोर्ट से पहुँचाऊँ, आप लोगों का भरोसा जीत के पहुँचाऊँ। मेरे चैनल पर जो भी चीज़ मैं करता हूँ आपके सामने खुला रखता हूँ, पेड अनपेड बायस्ड अनबायस्ड इस सब चीज़ के बारे में आप लोग को मेरे बारे में पता है कि मैं क्या कुछ किया, और सबको मैंने पहले वीडियोस बना के इस बारे में बताया भी था। अब यहाँ पर सुबह में मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम ट्विटर कम्युनिटी वगैरह में सब जगह पर बताने के लिए कि भाई कुछ जगह पर यूट्यूबर्स ने वीडियोस अपलोड किए एक साथ पर एक ही टाइम पर एक ही वीडियो जा रहे एक कंपनी के खिलाफ, तो मुझे लगा कि भाई शायद से कुछ तो गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर। मैंने ये नहीं कहा कि भाई हुआवे और ऑनर अच्छे हैं, आप इनको बॉयकॉट मत करो, इनको परचेस कर लो। मैंने ऑनर 20 आई ऑनर 20 की अनबॉक्सिंग किया, आप जाके देख सकते हैं, पूरा वीडियो उठा के देख लेना, बिल्कुल स्किप किए आप देख लेना। अगर कहीं पे भी मैंने बोला होगा कि ये फोन अच्छे जाके परचेस कर लो तो मैं गलत हूं, मैं उन दोनों वीडियोस को डिलीट कर दूंगा। मेरी बात को आप बराबर ध्यान रखना। मुझे चाइना से क्या लेने देना, मुझे ऑनर हुआवे से क्या लेने देना, आफ्टर ऑल ये एक चाइनीज कंपनी है, मैं क्यों उसके लिए स्टैंड ले रहा हूं। मेरा मानना यही है कि भाई जो फ्लो अभी चल रहा है, जो हम यहां पर इसमें चढ़ रहे, चलती में बोलते ना चलती में चढ़ जाना, थोड़ा नहीं रुक जाना चाहिए फिलहाल के लिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अभी यहां पर हुआवे और ऑनर को टाइम देना चाहिए जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तब तक के लिए मैं आपको कहां बोल रहा हूं कि परचेस करना है, हम सभी लोग इतना पैसा खर्चा करके क्यों एक फोन ले जब हमें फ्यूचर में पता नहीं कि इसमें अपडेट्स आएगा कि नहीं आएगा। मेरा मानना बस यही है, फिलहाल के लिए रुक जाइए, क्योंकि हुआवे और ऑनर ये कोई कल पैदा नहीं हुई, ये बहुत बड़ी कंपनी है, काफी सालों से चल रही है, इनके पास कुछ ना कुछ रास्ता होगा, और जब भी आएगा रास्ता अच्छा और हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई शायद से ये कंपनी में अभी भरोसा है, कुछ करने के लायक है, तो हम इंडिया में इसको जाके परचेस कर सकते हैं। और क्या पता फ्यूचर में गूगल अपना बैन इन पे से हटा दे, क्योंकि गूगल बोलता है कि भाई उसका जो ओएस है वो रिस्की है जो हुआवे बना रहा है, और अगर वो हमारी कंट्री में एंटर करता है तो क्या पता हमारी कंट्री में हैक वैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो गूगल वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो क्या पता भाई गूगल उस पे से अपना सस्पेंशन हटाते हैं, जो भी हटाते हैं वो फ्यूचर में अगर वो बैन लिफ्ट हो जाएगा तो क्या जिन जिन लोगों ने वीडियोस डाले थे इसके खिलाफ वो लोग पुल डाउन करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। एक और चीज है दोस्तों कि मैं यहां पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सारे फेलो यूट्यूबर्स की हमेशा से रिस्पेक्ट करता हूं। प्रीवियसली किसी यूट्यूबर ने मुझे हेल्प किया था, मैंने खुल के उनके बारे में अपनी वीडियो में बताया था, मैं हमेशा से लोगों को क्रेडिट देता हूं, मेरा जो भी काम है मैं खुला सामने रखता हूं, मैं कोई बात पीछे से नहीं करता हूं, और मैं कभी ये मानता ही नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूं या मैं जैसा हूं, यार जो कितना भी ऊपर चला जाए मैंने आज तक कभी भी किसी को क्रिटिसाइज या जो भी ऐसा मेरा थिंकिंग है ही नहीं, मैं अपने काम से काम रखता हूं। आपको पता होगा 1.5 साल से आप मेरे चैनल पर है, मैं ये सब कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहता हूं, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं, और उसी वजह से आज मुझे सक्सेस मिली है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था कि भाई आप अच्छा काम करते हो तो अपने काम से काम रखो, ये सब मत करो। बस थोड़ा सुबह में मुझे ऐसा लगा एक ही टाइम पर एक ही तरह के वीडियोस यहां वहां जा रहे तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी लगी। एक और चीज दोस्तों बता रहे थे कि ऑनर 20 वाले जो भी मेरे पास फोन आए थे, ऑनेस्टली कहता हूं यूट्यूब पे आपको मैं एकदम कमिट करता हूं, ये वीडियोस बिल्कुल भी पेड नहीं थे। रीजन यहां पर ये कि जब से पूरे वर्ल्ड में ये हुआवे ऑनर का बैन वाला सीन चल रहा था तब से उनका बजट खत्म हो गया था, एकदम से मार्केट डाउन हो गई थी, तो पेड कैंपेन ही उन्होंने करना एकदम बंद कर दिए, तो मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिला। अब रीजन ये दोस्तों कि ये फोन मेरे पास आया था, पड़ा हुआ है, मैंने बोला चलो अनबॉक्सिंग कर देते, कैजुअल अनबॉक्सिंग थी, कुछ नहीं था, आप जाके देख सकते, कुछ नहीं था, सिर्फ स्पेक्स डिटेल्स बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, बस उसके अलावा मैंने और कुछ खास बोला नहीं कि इसको परचेस करो ये करो वो करो। तो इतना ही था दोस्तों, यही समझाने के लिए मैंने सोचा मेरा फर्स्ट बंदा आपको एक वीडियो बना के बता, तो बस मैं एक ही चीज कहता हूं, जब फाइनली प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये फोन्स में सही में हुआवे या ऑनर जो भी स्पाई करता है तो भाई मैं कहां हम इसको, मैं खुद भी हटा दूंगा अपने घर में, जितने भी अगर कोई फोन हो मैं खुद उठा के फेंक दूंगा। हमें सबसे पहले हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है, उसके बाद हमें इन कंपनी पे ट्रस्ट करना चाहिए, आफ्टर ऑल चाइनीज कंपनी हमें इंडियन कंपनी थोड़ी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो जाते जाते मैं एक और चीज बता देता हूं कि देखिए अमेरिका की एक बात है, मैं आपको अभी थोड़ा ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूं कि पूरी हिस्ट्री आप पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री उठा के देख लेना कि यूएस को अगर किसी भी कंट्री में किसी से भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो भाई वो पहले तो कुछ ना कुछ करता है और फिर पूरे वर्ल्ड में हुक्म कर देता है और अनाउंसमेंट कर देता है कि उसको बॉयकॉट कर दो, जैसे कि दूसरे लोग उसके चमचे है और अमेरिका बस एक सबसे बड़ा सुपर पावर है। एनीवेज यहां पर देखो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो जो चाहे वो कर रहा है, बस बात यह कि फैसले का वेट कर लो। अगर यहां पर हुआवे ऑनर को फाइनली पता चल जाता है कि भाई ये सही में ये लोग स्पाइक कर रहे थे या जो भी कर रहे थे तो भाई इसको लात मार के हम खुद हटा देंगे, हमें कोई वो नहीं है, हुआवे ऑनर थोड़ा घर चल रहा है हमारा उससे और क्या कुछ हो रहा है, आफ्टर ऑल हम इंडियन से, हमें इंडिया की परवाह है, हमें कोई हुआवे ऑनर चाइनीज कंपनी से कोई मैटर नहीं है। बस एक ही बात है कि फेसबुक भी ये गलत किया था, फेसबुक ने तो खुद कमिट किया था, हुआवे ने कमिट नहीं किया था, फेसबुक ने तो कमिट किया था, अपोलोजाइज किया था कि भाई ऐसा हुआ है जिसके लिए हम अपोलोजाइज करते हैं कि डेटा ब्रीच हुआ है। तो सबसे पहले अमेरिका को फेसबुक को बैन करना चाहिए था, ये एक दोगलापन है, ये थोड़ा सा पार्शियलिटी जो आपको ध्यान रखना है, और इंडिया में भी हमें करना चाहिए था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी ऑर्डर देना चाहिए था कि फेसबुक को बैन करना चाहिए। और जो जो कंपनी ये चीज करती है कितनी भी हमारी क्लोज कंपनी क्यों ना हो, अगर वो लोग ऐसा करते तो हाँ भाई आफ्टर
और हमें उन्हें बैन करना पड़ेगा। क्या पता कल को अमेरिका उठ के बोल दे आफ्टर ऑल शाओमी वीवो ओप्पो भी चाइनीज कंपनी के भाई इसको भी बैन कर दो, कल को ये लोग भी अगर मोबाइल इक्विपमेंट्स बनाना शुरू करते क्योंकि फिलहाल के लिए हुआवे करता है, तो वे लोग भी अगर 5G वगैरह 6G लेके आ जाए एक टाइम पे, तो क्या ये लोग बोलेंगे इसको भी बैन कर दो स्पाई करता, तो क्या हम इन्हें भी करेंगे? हमें डिटेल नहीं पता है तह तक कि भाई एक्चुअल में ये क्या चल रहा है, अमेरिका को क्या नुकसान इससे, ये भी हमें नहीं पता है क्योंकि ये अमेरिका है, हमें अभी तक सच्चाई नहीं पता है। एनीवेज यहाँ पर यही मेरा एक जवाब था जो आप लोगों को क्लैरिफाई करना था, मैं ऐसे ही करूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं इससे और किसी कोई कंपनी से, बस जो मेरे को ठीक लगता है मैं करता हूँ। एनीवेज यहाँ पर इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी होगी, तो जो जो लोग सबके अपने अपने ओपिनियंस होती है, तो मैं जिन जिन लोगों को अगर नाराज हो रहे जो वीडियो देख रहे जिनको बुरा लगे उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कुछ नहीं है छोड़ दे सबको, अपना काम करते आगे बढ़ते, बहुत सारे वीडियोस अभी आने बाकी है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।